शासन ने आदेश दिया था कि चाइनीज पटाखे और देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अगर दुकानदार बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते देवास में दिवाली से पहले प्रशासन की टीम ने पटाखा दुकानों पर पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने दुकानदारों से लाइसेंस और अनुमति से अधिक मात्रा में पटाखे तो नहीं रखे, इसको लेकर भी जांच की। टीम ने जिन दुकानों पर देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे मिले वहां से जब्त भी किए। बताया जा रहा है कि मालवा फायर वर्कर्स से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाले 75 पैकेट पटाखे जब्त किए गए। आज कोतवाली थाना अंतर्गत प्रभारी तहसीलदार मैडम श्रीमती पूनम तोमर के साथ और कोतवाली पुलिस ने ज्वाइंट रूप से आतिशबाजी की दुकानों को चेक किया है कि कोई चाइनीज पटाखे वगैरह तो नहीं रखे हैं, लाइसेंस से अधिक मात्रा में स्टॉक तो नहीं रखे हैं, या देवी देवताओं वाले फोटो वाले पटाखे तो नहीं रखे हैं। तो मालव फायर वर्क पर देवी देवताओं के मिले हैं, लेकिन वो बेचते हुए नहीं पाया गया, अलग से मकान में रखे हैं। क्या कार्रवाई होगी सर इस पर लीजिए? उसमें समझेंगे क्या हो सकती है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो बता दी जाए, उपचार करेंगे, जब्ती कर लेंगे। अधिकारी हमारी दुकान पर आए लेकिन हमारी दुकान से कुछ भी नहीं मिला। जिस दिन हमारी दुकान पर कुछ लोग आए थे ये चीज़ हटा दो, तो हमने उसी वक्त उस चीज़ को यहाँ से हटा दिया। फिर आगे क्या बोला? उनने बोला है कि आप ये चीज़ बेचना नहीं है, तो हमने बेच भी नहीं रहे उस चीज़। अच्छा, पता चला कि ऊपर से निकले हुए हैं आपके जो पटाखे जो जब्ती करके ले जा रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? तो वो हटाने का ही था, तो उसी दिन से हमने उस चीज़ को हटा दिया। कौन? आज यही साहब और हम लोग बाज़ार में आए थे, अच्छे हम लोगों ने आतिशबाजी की जो दुकानें हैं पटाखा की, इन लोगों की जांच करी थी कि यहाँ कोई चाइनीज़ पटाखे या फिर लाइसेंस से ज़्यादा विस्फोटक ना रखा हो, तो उसकी जांच करने के लिए हम लोगों ने आज बाज़ार में दुकानों की जांच करी। अच्छा, कुछ जब्ती भी करा गया? कितना? ये मालवा फायर वर्क है, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो वाले जो पटाखे के पैकेट है उनकी हमने जब्ती करी है। यहाँ पे करीब 43 पैकेट जो है वो लक्ष्मी बम के, जिसमें लक्ष्मी जी का फोटो है, और 32 पैकेट श्री कृष्ण बम के जिसमें कृष्ण भगवान के फोटो है, उनकी हम लोगों ने जब्ती करी है, और जब्ती करके इसे थाना कोतवाली के सुपुर्द किया गया। मैडम लगभग कितने रुपए का? अब अभी ये जाँच होगी, आगे उसमें पता चलेगा कि कितने का माल है। मैम इसमें और कोई कार्रवाई आपने मालवा वाले पर और भी कोई कार्रवाई करनी है? नहीं, मालवा पर अभी इस वर्ष तो अभी यही पहली कार्रवाई है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।